हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। इधर चल रहा है शूट, इधर चल रहा है टाइम पास, इधर बन रहा है कुछ खाने को। क्या बनवाया खाने में आज? आज मेरे को यार एक सेकंड, सिटी बंद हो गई। मौसम आंटी खड़ी थी ना वहाँ पे, जैसे ही मैंने इशारा करा उन्होंने कुकर के ऊपर हाथ रख दिया। क्या क्या बनवाया तुम लोगों ने आज खाने में? यार मैं सच्ची बताऊँ, मेरे को टेस्टी नहीं आ रहा, मेरे को टेस्ट भी नहीं आ रहा, मेरे को स्मेल भी नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा मेरे को। इतना इरिटेशन हो रहा है यार, आप कुछ खाओ, आप पेट भरने के लिए खा रहे हो, आपको ना टेस्ट आया ना स्मेल, ऐसा लगता है बस मुंह में कुछ चल रहा है, च्युइंगम टाइप, फ्लेवरलेस च्युइंगम। इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को। तबीयत तो ठीक हो गई लेकिन अब तक इसका टेस्ट नहीं आया वापस से। बिल्कुल टेस्ट और स्मेल दोनों गई, पता नहीं क्या हो गया इसके, आई डोंट नो। मैंने तो मिली वही दाल चावल बनवाए और मैं तो अपने वापस से रूटीन में आ चुका हूँ, जिम विम डाइट वाइट सब पे। मैंने तो वही आंटी का बोलता है, आंटी आज आप मेरे दाल चावल बनाओ। वाओ, व्हाट अ न्यू थिंग है। तूने क्या बनवाया? टिंडे की सब्जी। शाबाश। टेंडली। कल पता है कल वो खाली क्या बोलते हैं, एक ब्रेड पकौड़ा और मिठाई और पेट गड़बड़ हो गया इसको, तो इसको समझ में आ गया। अब इसने दो तीन बार ट्राई कर लिया, इसको समझ में आ गया। अब 8-10 दिन तक तो ये कुछ भी अनहेल्दी नहीं खा सकती है, लाइट खाना पड़ेगा वरना इसके समझ में प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ मुझे वड़ा पाव खिला दो। अभी ले आएंगे, मैं ले आऊंगा, उसका ही टेस्ट आता है, उसमें मिर्ची थी ना इसलिए। हाँ तो वो ले आऊंगा मैं, जहाँ पर वो पता है मुझे कहाँ लगता है। शर्म कर लो जिंदगी के अंदर, अच्छा लगेगा मेरे सामने खाओगे। पताशी नहीं खाने जा रही तू? डॉक्टर से परमिशन लेके आऊंगी अब। गाइस कल परसों मैं और हम लोग दोस्त लोग मिलके बैठ के पेट्रोल पंप वाले कितना कमाते हैं उसका अंदाजा लगा रहे थे और चालू करने के लिए कितने पैसे चाहिए उसका अंदाजा लगा रहे थे। आज पेट्रोल पंप की 48 घंटे की हड़ताल हो गई। टिकू तू आया है आज, देख तेरे लिए स्पेशली हम लोगों ने पपीता रखा है साइड में। ये तो हमारे लिए रखा है हमने। भैया हट जाओ, भूख से मर रही हूँ। यार टिकू भैया तुझे भी तो आप तो कुछ भी खा लो, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा होगा। बाकी तो अच्छे है। वो कोशिश कर रहा है शूट करने की, कुछ कोशिश नहीं कर रहा, वो शूट कर रहा है वो। प्लीज बी रेडी, क्योंकि आपको मैं बनाने वाली हूँ ज्वेलरी वाला। हाँ मैं इनको बनाऊंगी, यहाँ पर इनके वो लगा दूंगी, ज्वेलरी बेचने वाला ये रहूंगी। यहाँ क्या कर रहे हो नीचे, प्राची दीदी कितनी देर से वेट कर रही है यार। भाई बहुत जो प्राची दीदी को बुलाए तो ऊपर ही बुला लेते हैं। अरे हमको पता नहीं था वो, तो अरे ये पता नहीं कब बुला लेते हैं। मेरे को बोला, बोली ब्लैक उस पे ना, ये प्राची दीदी, मैं प्राची दीदी है, काम हो गया तो जब भी जा रहा हूं, काम है तो ऊपर। भाई नीचे क्यों खड़ा करके रखता है, नीचे ऊपर बुला लिया करना। नहीं तो अरे तो मैं जा ही रहा था ना, तो हां हाँ तो मैं जा ही रहा था ना, तो ऊपर बुलाऊंगा उसको खाने। ये भाई इतना कंजूस है, उसका पेट्रोल जलवा देता है रोज, खुद का ऊपर नहीं करता। मीटिंग में जाना था कोई है, अरे वो इसको सिखा देगी, क्या सिखाएगा उसको। अरे क्या इससे डील क्रैक नहीं हो रही आजकल, उसको लेके जाता है वो, कर लाती है क्रैक फटाक से। भाई वो समझदार है, चैंपियन है भाई वो, चैंपियन बता, चैंपियन को नीचे वेट करवाता है ये। अरे वेट क्या, अभी जा ही रहा था मैं, बस वो काम हो गया पीछे से, बस बेसिकली पिटेगा ये, हमसे भी पिटेगा उससे भी पिटेगा। अब बताओ स्कूटी भी खुद नहीं चलाएगा, वो चला के लेके जाएगी सारे में। हाँ चलाता है, तू चलाता है पीछे बैठ के। हाँ उसको प्रॉमिस करा था कार आएगी तो कार में घुमा करेंगे, और फिर बोलता है कि हमें स्कूटी पे घूमना पसंद है इसलिए उससे स्कूटी मंगवा लेता है। ऐसी बात झूठ है, ऐसा कुछ भी, हमें पता है एक्टिवा में घूमना पसंद है। एयर वॉश कराई यार सूरज बिर की, तो हर 2 मिनट में सांस फूल रही है, तो कमजोर हो गई बहुत ज्यादा। पता नहीं मेरे क्या हो रहा है, मैं कुछ खाने की कोशिश करती हूँ, मुझे भा नहीं रहा, हर थोड़ी थोड़ी देर में बोलते बोलते मेरी सांस फूल जा रही है, मैं ज्यादा देर खड़ी होती तो मेरी सांस फूल जा रही है। तबियत खराब हुई ना उसकी वजह से, अभी रिकवरी में टाइम लगेगा। रिकवरी में मम्मी को भी मैंने अभी फोन किया था, मम्मी की भी जुकाम लग रही है भयंकर। सबके हो रहा है, सबके ही हो रहा है, एक बार जुकाम खांसी और बुखार सबके हो रहा है। इसके टीपू का अभी तक ठीक नहीं हुआ, इसके ये टीपू और ये हितेश जी साथ में बैठे बैठे पता नहीं क्या कर रहे थे कि हितेश जी के भी हो गया। ये ना कॉफी संजीव भैया के हो गए, संजीव भैया के मुझे बोले बोले उस दिन तुम लोग मिल के गए, उसके बाद मेरे हो गया। मैंने कहा संजीव भैया उस दिन रात को मेरे भी हो गया। कौन सी मीटिंग में जा रहा है, पता सही सही बता। आज क्या है, आज तो सैटरडे है, आज कौन सी मीटिंग है अभी? साला ये क्या हमारे काम बोलकर कहीं और से ज्यादा बता, आज तक कभी नहीं गया बाल स्ट्रेट करके, स्ट्रेटनर से और बाल स्ट्रेट कर रहा है। घर पे स्ट्रेटनर है, बाहर पड़ा था घर पे स्ट्रेटनर है तेरे पास?
सारे रेडी हो चुके हैं, हमारे वीडियोस बाकी है बस। इसलिए पूरा सेट कर रखा है फ्री में। मुझे वो मैसेज आ रहे हैं कि ना आप लग जी की वीडियो, वो वीडियो क्या फोटोज खाए, बहन से खींची नहीं एक भी फोटो इस मोटे ने। लेक्स लेक्स दीप लेक्स दीप अरे लेक्स भाई मैंने इसकी पूरी वीडियो बनवाई मैंने दो तीन यार गाइस इनको होश नहीं था, कोई तीन दिन तक तो एक ही कपड़ों में थे, हम बोले चेंज कर लो चेंज कर लो। भाई लक्ष्मीदीप के लिए तो किसी को कुछ नहीं बोल सकता, मतलब क्रूज ट्रिप के लिए तू बोलने लायक नहीं है, ध्यान रखना ठीक है भाई साहब। इसमें पहला ट्रिप होगा, पांच दिन मारा फोटो ही नहीं खिंचवाई। क्यों नहीं खिंचवाई? क्योंकि ध्यान ही नहीं रखी खिंचानी है, अलग ही उसमें था सुरूर में जोन में। बाद में करेंगे वो, क्या ब्लैकमेल करने के लिए रख रखी हमने इसको। गाइस एक पार्सल आया है जिसमें हो सकता है मेरे काम की कुछ चीज हो। नहीं लगते ऐसे, पता भी नहीं चलता। अभी तेरे ब्रेसेस हटे हुए है ना, तो दांतों का थोड़ा वो रहता है, थोड़ा तमीज से अब इसको भी दांत से खोल लेने। अरे देश भी है ना, अरे कितने डब्बे होते हैं यार, पैकिंग करके देते हैं यार है ना वो। एक और डब्बा, फिर डब्बे के अंदर डब्बा, कंट्री बीन्स, मंगोलिया न्यू यॉर्क बेकरी से, मतलब मेरे और मीकू काम की चीज यार। दो मिनट रुको ना, ये तो दूर रहो ऐसे कैसे खड़े हो गए सबके सब आके। क्या है भाई, जब तक इसकी फोटो डलेगी कोई कुछ नहीं खाएगा। हाय यशी, वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड टू कोलैबोरेट विद न्यूयॉर्क। ले ले लड्डू, इसकी पिक्चर डालेंगे। कॉफी मेरे लिए, तो मैंने बोला हॉलीवुड मूवीज में फीचर हुई है ये बेकरी। अच्छा ले फिर, इसके साथ कंट्री बीन्स ने वो किया है। तो ब्राउनी आ गई थी दिमाग में कि ब्राउनी है ये बेकरी के नाम से। अभी आई थी ना वो भी अच्छी थी ब्राउनी, मैं तो मफिन ब्राउनी सोची बैठी थी। गाइस सलमान खान ने बॉडी दिखा दी है अपनी। ओह माय गॉड, एक बार दिखा दो यार। गाइस बहुत टाइट बॉडी देखो, बड़ा कमजोर लगता है भाई। रोस्टर बन सकते हैं, आपको रोस्टिंग वाला चैनल बनाना पड़ेगा। हां तेरा एक रोस्टिंग चैनल, और सिवा कुमार पे रोस्ट कर लेना। आप ये बताओ कहाँ चले? बॉडी बनाने। क्यों? आपको क्या जरूरत है भाई? बॉडी कमजोर हो गई, घर वाले बोल रहे हैं। तो मैं भी कह रही हूँ कमजोर लेग पीस है, पर आप मुझे ये बताओ कि आप बॉडी बनाओगे? पापा बोल रहे थे कि तू इतना कमजोर हो गया, बहुत जिम में जाएगा। 100 किलो से ऊपर होना चाहिए अब तो है ना। मेरे चाचा तो क्या, उनकी क्या इच्छा था मुन्ना मेरे से, बताओ क्या है? क्या कि मुझे तेरे को 100 किलो से ऊपर दे। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, आप खाओगे और आपका ही पेट तो निकल ही रहा है, वो दिखा दी उसमें। अरे भाई ऐसे जरा सा ऐसे ऊपर करते ना, ये हाथ ऐसे अंगड़ाई वंगड़ाई लेने के लिए ऐसे पेड़ दिखता है। कौन आए? ये जूते तो बाहर ही खोल दे तुम, ज्यादा बोलो मत। कुछ ही नहीं, अरे चढ़ 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 करते हैं 24 घंटे। गाइस गरम मामला, व्हाट हैपन अंकल, व्हाई आर यू बड़ा पानी पिलाई आंटी? तू सारा नंबर को नहीं, ये झुक रही है भीड़। अरे यार एक बात बता, वो गाड़ी का गेट यहाँ से अपन खोलते हैं जब खुलता है, अब इनको खुद को तो खोलना आता नहीं है। अच्छा? और मेरे ऊपर बड़बड़ बड़बड़ कर रही है। वहाँ से एक पुश बटन होता है उसको खोल लो, खुल जाएगा गेट। लेकिन कौन खोले, नौकर चाहिए इनको तो खोलने के लिए। भाई मेरे को बहुत मन कर रहा है, तू मेरे को ऐसे कोई स्वाद नहीं आ रहा, भयंकर भयंकर भयंकर। अंकल आंटी को भी खिलाते, बड़ा पाव क्या चल जाता है, गुस्सा कर लाए वो पहले पता से चेक के आई है। मैं तो नहीं करता ना उसको, अब उसको खोलना नहीं आया तो मैं क्या करूँ यार, मेरी गलती थोड़ी है। उसमें क्या करना होता है, जैसे आप उतरे आपको जाके से गेट खोलना होता है, फिर ऐसे करना होता है कि आइए पधारिए। हाँ तो वो चाहिए, वो तो चाहिए, वो मेरे से नहीं होता भैया, मेरे से नहीं होता। यार बेचारा अंकल लाइफ फंस गया भाई, तो अब सारे दिन तो इनके ड्राइवरी में लगे रहो, इन ड्राइवर की नौकरी कर दी मेरी तो। इनको सिखा दो, चलो रिस्क ले लोगे। भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, ये गाड़ी की चाबी संभालो, चलाओ
घूमो अपने आप करो, मेरे को मत फाउंडेशन में ले। थक गए, गाड़ी चला चला के थक गए। हां यार सिस्टम पानी हैंग। आप जा रहे थे तो जिम? हां आज लेट हो गए। लेट हो गए आप आ रहे थे ना इसलिए रुक गए। मंगा लेते बड़ा पाव यार। बड़ा पाव वाले तुम नहीं खाते हो? हम नहीं खाते, अंकल जिम कर रहा हूं। तो आज खा रहे हैं ये लोग वीकू के हाथ के बने हुए चीले। धीरे-धीरे खट्टा आ रहा, धीरे-धीरे खट्टा-खट्टा टेस्ट आ रहा। टेस्ट आ रहा तो मतलब धीरे-धीरे तो ठीक हो रही है। समझ गई? पेट भर के खा ले फिर आज खाना। कमजोर हो गई बेचारी। क्या हुआ, मजा नहीं आया? हाँ अच्छा भी बताती हूँ, मजा नहीं आया। बोले मत खाओ फिर। हाँ मत खाओ, खुद बना खा लियो। खुद बना खा लेना। पाँच छह दिन बाद खाना खाते हुए देख के अच्छा लग रहा है, नॉर्मल हो रही है थोड़ी सी, थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। बने हुए रखे है यहाँ पर, ये तो खूबसूरत बना दी तूने। कौन खाएगा इतने सारे? खा लेंगे सुबह सुबह, इसको वापस से गरम करके खा लेंगे। ओके टीपू भैया बोले मैं खाऊंगा, वो क्या है इसकी खाएगी? टीपू भैया नहीं खा रहे कुछ भी, वो तो बाहर गए दोनों के दोनों, वो हितेश। अच्छा गाइस कल का हमारा मोस्ट प्रोबेबली ये प्लान है, अगर लखन भाई कहीं नहीं गए तो हम लोग जा रहे हैं नोएडा लखन भैया के पास। उन्होंने आज का दिन बोला था कि आज के दिन वो फ्री हैं, मतलब सॉरी कल का दिन बोला था कि फ्री हूँ मैं उस दिन, तो उस दिन के हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। अब सुबह सुबह निकलने से पहले उनको कॉल करेंगे कि भाई कहीं और का प्लान तो नहीं बन रहा ना आपका, तो हम लोग आ जाएं तो फिर हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू वो भी इधर उधर, क्योंकि हम लोग दोनों से मिलना चाहते हैं। कभी नीतू दी कहीं जा रही है, कभी नीतू भाभी कहीं जा रही है, कभी लखन भाई कहीं जा रहे हैं, तो दोनों एक साथ हों घर पे तो हम लोग जाएँ मिलें, दोनों से मिलें, सबसे मिलें, तो बस इसीलिए। क्या ढोल दी? शाबाश, मैं मीठा चीला बना रही थी तो ढुल गई। एक काम करना, साफ है ना स्लैब, चीले ना यही रख, यही रख सारे चीले। खा ले क्या मतलब? गाइस मैंने चीले खाए थे। गाइस मैंने बोला था ना ये अच्छे नहीं बनाई, तो अब इसके खुद के पेट में दर्द हो रहा है। वो तो मेरी बीमारी की वजह से हो रहा है भाई, हमारे चीले तो एकदम बेसिक चीज थी कि हल्का फूड ही है वो। एक मैंने और दीदी ने भी खाए थे, तो तुम्हारे तो नहीं हुआ ना, तो तुम मतलब मेरे में ही मतलब गड़बड़ थी भाई। मैंने सिर्फ दो चीले खाए थे और मेरा पेट दर्द हो रहा। तेरी कसम मैंने ना अजीब सा हो रहा है, पर खाना खा के आया बाहर पर अजीब सा हो रहा है। मैं सुनता किस से हो रहा है मेरे, वो वॉइस ओवर कर रही है भाई। एक बार दीदी से पूछा हो, दीदी के भी कुछ हो रहा होगा। हां उनके तो कल से हो रहा है भाई। अब आप तो रुक जाओ, आपको तो मैं खिलाती हूं। लो गाइस क्या मिलाई तू उन मछलियों में? जमाल कोठा से नहीं मिला दी भाई, आज कल ये अबे इसने दो चीले लगाए कुछ भी ना, दो चीले से तेरा वो भी देखता कुछ लिपस्टिक वाला हॉट चिपक गए ना इसके, तो हंस रही थी, हंसते हंसते इतना नाक आ गया इसके, लाल लाल खून वाला भाई पूरा बाहर आ गया। तीन दिन से लगातार गाइस तो खासी मेरे कभी होती देखी है क्या आपने? पर अब मैं थोड़ी सी बीमार हो रही हूं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बीमार नहीं, तेरी मेंटल हेल्थ खराब है, तो मैं भी चलूंगा। ऐसा बहुत कमी होता है कि आपको खुद के हाथ का खाना ही सूट ना करे और पेट दर्द होने लग जाए, वो इसके साथ हो गया है। कोस रही खुद को कि मैंने क्यों बनाया, खुद के लिए भी और सबके लिए भी। चलो कोई नहीं गाइस, अभी तुम लोग आराम से पेट दर्द की बातें करो और चीले बनाओ। उसके लिए वो दो बनाए थे, दो और तीन चार तेरे साथ खा लिया, दो खा लिया, यहाँ पे चीले भी खा लिया, अभी भी नहीं भरा अभी। और रिकॉर्ड भी अभी तो रिकॉर्ड एक तो भाई ये इसको ना सुनाना अच्छे से, व्लॉग भी देखना। मैंने क्या बोला? ओ माय गॉड, चलो कोई बात नहीं गाइस, व्लॉग एंड करते हैं यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।